क्या रागों का जन्म थाटों से हुआ है? थाट और राग का आपस में क्या रिलेशन है? और आश्रय राग और जन्य राग क्या होते हैं? इस टॉपिक पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा अपने एक्सपीरियंस अनुसार, अपने नॉलेज अनुसार कि क्या होता है और क्या थाटों का जन्म वाकई रागों से हुआ है या रागों का जन्म थाटों से हुआ है, किसका क्या संबंध है वो आज हम जानेंगे। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत लोग को गलत इन्फॉर्मेशन है। लोग कहते हैं कि भाई राग बिलावल जो है थाट बिलावल से जन्म लिया है उसने, या थाट बिलावल से ही जन्म लेने वाली एक और राग है जो कि राग अलैया बिलावल है, है ना। तो ये क्या वाकई ऐसी बात होती है या क्या नहीं है, इसके पीछे की आज हम एक चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या है थाट और राग का रिलेशन। रियाज ऐप अ सिंगर्स कंपेनियन। अगर आप घर बैठे संगीत सीखना चाहते हैं और आप किसी क्लास में नहीं जा पा रहे हैं, डाउनलोड कीजिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को और घर बैठे सीखिए संगीत। अच्छी अच्छी रागें, गाने, कर्नाटक, वेस्टर्न, हर प्रकार का, यहाँ तक कि आप अपने गाने रिकॉर्ड करके यहाँ पोस्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स द्वारा सिखाए गए गाने यहाँ पे आपको मिलेंगे और उनके लेसन्स मिलेंगे। तो अभी डाउनलोड कीजिए रियाज ऐप। कला क्या होती है? कोई भी आर्ट क्या काम करता है? आपके एक्सप्रेशंस का, आपकी भावाव्यक्ति का, जो भी आपको चीज़ महसूस हो रही है वो चीज़ आपको सुरों के माध्यम से या फिर अपनी कला के माध्यम से, अगर मैं संगीत की बात करूं तो सुरों के माध्यम से, तालों के माध्यम से, बोलों के माध्यम से, और अगर कोई दूसरी कला की बात करूं तो उसमें अगर पेंटिंग है तो चित्रकला है जैसे कि, तो अपने चित्रों के माध्यम से आप बयां करते हैं, अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं। या कोई सी भी कला हो, आप अगर नृत्य करते हैं, नर्तक हैं, तो आप डांस के माध्यम से एक्सप्रेस करेंगे आप अपने इमोशंस को, आपको जो भी फील हो रहा है, एक कहानी रचेंगे और उस कहानी के द्वारा आप बताएंगे। तो ये एक आर्ट का काम होता है। अब रागें जो हैं ये भी हमारे संगीत में यही काम करती हैं, भावाव्यक्ति का। अगर हम बात करें राग शब्द का क्या अर्थ निकलता है, तो जैसे कि शब्द है अनुराग, अनुराग यानी प्रेम, उसी तरह से राग भी है, उसका भी मतलब लगाव होता है। जैसा कि वैराग जिसे कहते हैं ना, कि अलग हो जाना, एक क्या बोलते हैं, सेपरेशन महसूस करना, एक कि भाई अलगाव महसूस करना, कि आप सब चीज़ों से मुक्त हैं, आप इंडिफरेंस जो है आपको, उसे कहते हैं वैराग, जो वैरागी होते हैं, है ना। तो वो क्या है, राग से अलग है, वी है ना, वी मतलब उसके बिना। तो उसी तरह से राग का शब्द, इस शब्द का अर्थ होता है प्रेम, लगाव। तो कैसे, क्योंकि इसमें इमोशंस होते हैं, जो भी आपके इमोशंस होते हैं वो आप एक्सप्रेस करते हो। भले ही आपको दुख हो रहा है तो आप वो संगीत के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हो, सुरों के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हो, गाकर, बजाकर, नाचकर एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको अगर खुशी है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आपने देखा होगा संगीत जीवन के हर पक्ष में होता है, जन्म लेने से लेकर मरने तक जो है संगीत हर इंसान के साथ होता है। अगर बच्चा पैदा होता है तो खुशी के जच्चे बच्चे के जो गीत हैं वो बजाए जाते हैं, तो अगर आदमी की मृत्यु होती है तो मातम के गीत गाए जाते हैं, है ना। शादी होती है तो शादियों में गाने बजते हैं, शादियों के कितने सारे बन्ना बन्नी के गाने होते हैं, है ना। और हर एक सिचुएशन के लिए कुछ ना कुछ संगीत में है, कुछ ना कुछ कला में है, ठीक है। तो अब मैं आपसे जो चीज़ डिस्कस करूँगा वो है, ये तो मैंने रागों को समझाया कि अगर आपको दुख हो रहा है तो आप जैसे शिवरंजनी के सुर छेड़ते हैं, आप और भी कई रागे हैं, भूपकली के सुर छेड़ते हैं, आप चारुकेशी में भक्ति करते हैं, आप अगर शिव की आराधना करनी है तो राग भैरव का जो है स्मरण करते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं, है ना। तो ऐसे हर सिचुएशन के लिए, हर इमोशन के लिए जैसे कि एक राग है और आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं थाटों पर। तो दो शख्स हैं, दो लोग हैं जिनकी आज मैं चर्चा करूंगा, शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं, जिन्होंने संगीत को लिपिबद्ध किया है। लिपिबद्ध यानी नोटेशन सिस्टम जिसने बनाया है, क्योंकि संगीत जो है हमेशा से ऐसा प्रैक्टिकल विषय रहा है कि इसकी थ्योरीज बहुत कम लोगों ने लिखी हैं और आज भी बहुत कम लोग हैं जो थ्योरी में विश्वास रखते हैं। लोग संगीत को सीना बसीना विद्या कहते हैं। सीना बसीना यानी आमने सामने बैठ के सीखने वाली विद्या है, गुरुमुखी विद्या कहा जाता है इसे, कि सिर्फ गुरु के मुख से जो निकल रहा है वो आप मानेंगे। जैसे कि हमारे घरानेदार
संस्कार, परंपरा जो होती है, घरानाबंदी जो होती है, उसमें यही होता है कि आप उनके पास रहते हैं और जो वो कह रहे हैं उसको आप ग्रहण करते हैं। लिखने की जो प्रथा है वो बहुत कम रही है। लेकिन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये दो शास्त्रकार रहे हैं जिन्होंने संगीत को लिपिबद्ध किया, नोटेशन सिस्टम बनाया, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए संगीत की पढ़ाई हो सके, संगीत भी एक ऐसा विषय बन सके जिसमें कि आप डिग्री ले सकते हैं, जिसमें कि आप वो ज्ञान ले सकते हैं, PhD तक की पढ़ाई करके उसको कंपाइल करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम किसी और भी विषय में करते हैं, जैसे कि जब पाकशास्त्र का निर्माण हुआ तो भाई अब आज लोग सीख सकते हैं कि कोई भी डिश कैसे बनती है। पहले जो ये वैद्य होते थे इनकी अपनी रेसिपीज होती थी कैसे उस मेडिसिन को बनाना है, फिर धीरे धीरे उसको थ्योरीज में लाया गया, उसे किताबों में बांधा गया ताकि आगे लोग मेडिकल पढ़ सकें। इसी तरह इंजीनियरिंग की भी, तो ये सारी चीज़ें उपजी दिमाग से हैं, फिर लोगों ने उन्हें किताबों में बांधा ताकि आगे से आगे लोग जनरेशन सीख सके। तो यही संगीत के साथ भी हुआ, वो भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हमेशा से, तो उसको थ्योरेटिकल बनाने के लिए नोटेशन सिस्टम बनाया गया। तो हिंदुस्तानी जो पद्धति है यानी नॉर्थ इंडियन पद्धति है वो विष्णु नारायण भातखंडे जी ने बनाई, और जो साउथ इंडियन यानी कर्नाटक पद्धति है उसका निर्माण विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने किया। अब उन्होंने क्या क्या किया, तालों को कैसे लिखा जाता है, रागों की बंदिशों को कैसे लिखेंगे, स्वरों के चिन्ह क्या क्या होंगे, तीव्र शुद्ध और कोमल में क्या फर्क होगा, लिखेंगे तो कैसे मालूम चलेगा, गाके तो आपको मालूम चल रहा है, बजा के आपको मालूम चल रहा है, लेकिन लिखने में कैसे दिखाई देगा ताकि सामने वाला उस कॉम्पोजिशन को समझ पाए। आपने तो लिख दिया कि सारे गम पधनिसा और आपने गले से तो लगा दिए थे उसमें रे कोमल म तीव्र, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन आपकी उस कॉम्पोजिशन को कैसे समझ पाएगी, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने नोटेशन सिस्टम बनाया ताकि वो चिन्ह देख के वो आपको मालूम चल सके, है ना। नोटेशन सिस्टम के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जैसे कि इन्होंने चिन्हों का निर्माण किया, उसी तरह इन लोगों ने थाटों का भी निर्माण किया है। अब थाट क्या होते हैं, सात सुर जो हैं हमारे, उसकी जो सारणी है यानी सारे गम पध निसा, ये क्रोमैटिक जो है एक ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी में एक ऑर्डर है, इसमें अलग अलग बदलाव करके अलग अलग स्वरों के मान करके, यानी कि कभी कोमल लिया, कभी शुद्ध लिया, कभी तीव्र लिया, और इनके मिक्स मैच करके कि एक सारे गम पध निसा में सारे शुद्ध हैं, एक में कभी रे कोमल है, कभी रे शुद्ध है, कभी और एक एक सुर का एक ही जैसा इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं कि एक थाट में दो रे लग रहे हैं ना, वो रागों में होता है, ठीक है। तो इन लोगों ने ऐसे करके 10 जो है भारतीय थाट बने, यानी कि नॉर्थ इंडियन, और ऐसे ही साउथ में अहोबल जी के हैं और भी लोगों के हैं, ये लोग सारे शास्त्रकार रहे हैं जिन्होंने थाटों का निर्माण किया, तो उन लोगों ने 72 थाट बनाए हैं, है ना। वेंकटमुखी एक उनके रहे हैं शास्त्रकार जिन्होंने और अलग थाटों का निर्माण किया है। तो ऐसे करके हम अगर अभी फिलहाल की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में यानी नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में 10 थाट हैं। अब मैंने जो आपको सबसे पहले बात कही थी कि संगीत हमेशा से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहा है, ये गुरुमुखी विद्या रही है, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे उपज हुआ है, रागों का निर्माण हुआ है, तो रागों का निर्माण पहले हुआ है। तो ये कहना गलत है कि थाटों से रागों ने जन्म लिया है, क्योंकि थाट एक कैटेगरी है जिसमें भातखंडे जी ने उनको बांटा, पूरे देश भर में घूम घूम के, घरानों में घूम घूम के, गुरुओं से मिल मिल के, संगीतकारों से, गुलकारों से मिल मिल के उन्होंने रागों की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और फिर उसे बांटा कि इस राग का चलन जो है इस राग से मिलता जुलता है, तो इसको एक कैटेगरी में डालो, है ना। ऐसे कर करके उन्होंने कैटेगरीज बनाई कि ये एक संप्रकृति राग हैं, ये सारी इनका चलन लगभग लगभग सेम है, इनका लगभग लगभग सेम है, इनका लगभग लगभग सेम है, है ना। पूरे देश भर में उन्होंने घूमकर यह चीज पता करी कि कौन कौन सी राग किन किन घरानों में कौन कौन सी बंदिशें कैसी कैसी जा रही हैं, फिर उन्होंने उन्हें क्लासिफाई किया, उन्हें कैटेगराइज किया कि यह राग इस थाट में बैठेगी, उसी चलन अनुसार उन्होंने थाटों का निर्माण किया। थाट में कोई चलन नहीं होता है, थाट की कोई गायकी नहीं होती है, थाट का कोई वादन नहीं होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, वो सिर्फ एक लाइन है सारे गम पध निसा सात सुरों की, है ना, जिसका बेस जो है ना वो ये है कि इसमें कभी सुर कोमल लग रहे हैं, किसी में शुद्ध लग रहे हैं, जैसे बिलावल में सारे शुद्ध लगते हैं, भैरवी में रे ग ध नि कोमल लगते हैं, कल्याण में तीव्र लगता है, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने रागों को इनमें कैटेगरीज में डाला है, तो ये थाट एक तरह से कैटेगरीज हैं, इनसे रागों ने जन्म नहीं लिया है। अब कुछ रागें हैं जिनमें जिनसे दूसरी रागों ने जन्म लिया है ना, और जिनसे जन्म लिया है उन्हें कहते हैं आश्रय रागें, और जिन जो जन्म ले चुकी हैं उन्हें कहते हैं जन्य रागें। जैसे कि राग बिलावल, सारे शुद्ध स्वर हैं इसमें, है ना, आपने सुनी हो तो, इसमें कोई भी और सुर नहीं है, ये संपूर्ण जाति की राग है, इसमें कोई भी सुर स्किप नहीं किया गया है, ओमिट नहीं किया गया, और सीधे सीधे सारे सुर इसमें लग रहे हैं। इसी में थोड़ा सा बदलाव करके एक सुर इधर का उधर करके राग अलैया बिलावल बना दी गई, इसी में थोड़ा और बदलाव करके कोई दूसरी राग बना दी गई। तो ये जो 10 रागें हैं, बिलावल, भैरवी, यमन, भैरव,
काफी, खमाज, आसावरी, मारवा, पूर्वी और तोड़ी, ये 10 आश्रय रागे हैं। आश्रय यानी इन्हीं पर सारी चीजें आधारित होंगी, है ना, जितनी भी और रागे बनेगी। जैसे भैरव में, भैरव के चलन में थोड़ा सा बदलाव करके कालिंगड़ा का निर्माण हुआ। भैरव क्योंकि बहुत गंभीर प्रकृति की राग है, उसके उसमें आंदोलन है ऋषभ और धैवत में, तो वो गंभीरता हटा के, वो आंदोलन हटा के कालिंगड़ा बना दी गई। कालिंगड़ा में कोई गंभीरता नहीं है, चंचल सारे उसकी उसकी प्रकृति है, उसके सुर सीधे सीधे लगते हैं, उसमें आंदोलन उतना नहीं होता, है ना। तो इसी तरह से इन 10 आश्रय रागों को हल्का हल्का बदल बदल के, इनके कभी सुर ओमिट करके, ओमिट यानी वर्जित करके, है ना, हमने दूसरी रागों का निर्माण किया है। तो ये 10 रागें जो हैं, ये मूल रागें हैं, ये कहना चाहिए कि ये मूल आधार हैं जिन पर ये दूसरी जन्य रागें बनी हैं। तो रागों से ही रागों का जन्म हुआ है, थाटों से रागों का जन्म नहीं हुआ है। जिस राग से जिस राग का जन्म हो गया, फिर क्योंकि बिलावल से जिन जिन का जन्म हुआ उनका लगभग लगभग चलन सेम लगा, तो उन्हें थाट बिलावल में कैटेगराइज कर दिया गया, ताकि संगीत को एक कैटेगरी मिले, संगीत को एक क्लासिफिकेशन मिले कि हाँ ये हम समझ सकते हैं। वरना बहुत बिखरा हुआ प्रैक्टिकल विषय, क्योंकि सब अपने अपने अनुसार करते हैं, सारे घरानों की गायकी अपनी अपनी अलग है, हर घराना एक राग को अपने अलग ढंग से गाता है। ठीक है, अब आते हैं कि थाटों का रोल क्या आता है। फिर किसी राग को दो थाटों से भी गाया जा सकता है, जिसे कहते हैं कि थाट अनुसार गाना। जैसे कि राग हमारी ललित, अगर आप लेते हैं ललित में कोमल धैवत अगर आप लगाओ तो आप उसे पूर्वी थाट से गाते हो, लेकिन यही आप उसे अगर शुद्ध धैवत से गाओ तो वो मारवा थाट में गाई जाती है। तो ऐसे ही सुरों को बदल के भी थाट बदल रहे हैं, क्योंकि थाट एक कैटेगरी है। ठीक है, तो आप अलग अलग रागों को अलग अलग थाट के अनुसार भी गा सकते हो, लेकिन वो कुछ शास्त्रकारों ने, कुछ संगीतकारों ने, कुछ कंपोजर्स ने, गुरुओं ने बना रखी है चीज़, वो आप एक पहले सीखो, पहले उनको समझो, फिर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करो कि कैसे किया जा सकता है। तो ये आई गेस आपका जो ये कन्फ्यूजन है ये दूर हो गया होगा कि थाटों से रागों का जन्म नहीं हुआ है, रागों का जन्म पहले ही हो चुका था। जैसे इमोशन अंदर आते हैं वैसे सुर जब निकलते हैं, है ना, क्योंकि ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि संगीत ऐसा नहीं कि शास्त्रीय संगीत ने पहले जन्म लिया है, नहीं, पहले फोक म्यूजिक ही था। फोक म्यूजिक क्या होता है, लोक गायन क्या होता है, ये संगीत कह लो या कोई सी भी चीज़ शुरू कहाँ से हुई, इसका मकसद क्या था। जैसे ही लोगों को जो जो महसूस होता था वैसे वैसे वो गीत गाते थे, वैसी वैसी पोएट्री निकलती थी। जैसे ही ईश्वर की आराधना हुई तो कुछ लिखा गया और उसमें जो सुर निकले वो हमने उनको उन सुरों में गा दिया, तो वो उसकी आराधना हो गई, तो राग का नाम पड़ गया कि ये राग भैरव है। क्यों? क्योंकि इसमें शिव की आराधनाएँ होती हैं, तो ये नाम भी बाद में पड़े हैं, पहले तो स्वरूप का जन्म हुआ है, है ना। क्यों? क्योंकि संगीत उपज है, है ना, स्वयंभू है, ऑटोमेटिकली जन्म लेता है। जो जो चीज़ें फूट पड़ती हैं आपसे, फिर आप उसको नाम दे देते कि हाँ ये चीज है। नाम देना क्यों जरूरी है? ताकि यूनिवर्सल हो सके, है ना, वरना वो स्वरूप आप किसी को कैसे दोगे डायरेक्ट का डायरेक्ट, है ना। इसीलिए उनको नाम देना जरूरी है ताकि वो एक स्वरूप फिक्स करना जरूरी है ताकि यूनिवर्सल हो सके, कि यहां बैठा व्यक्ति भी अगर भैरव गा रहा है तो आज विदेश में बैठा व्यक्ति को भी अगर भैरव गानी है तो वो भैरव सेम लगे, ऐसा ना लगे यार ये भैरव अलग है वो भैरव अलग है। गायकी अलग हो सकती है, बंदिशें अलग हो सकती हैं, लेकिन स्वरूप जो है वो सिमिलर रहेगा। इसीलिए कुछ बांटना पड़ा, कुछ इसको क्लासिफाई करना पड़ा, कैटेगराइज करना पड़ा, नोटेशन सिस्टम बनाने पड़े और बंदिशों को फिक्स करना पड़ा, क्योंकि महान महान अच्छे अच्छे कलाकारों ने जो बंदिशें बनाई वो आज की जनरेशन कैसे सीख पा रही है। सदारंग अदारंग जी हैं, अमीर खुसरो हैं, तानसेन हैं, मियां तानसेन हैं, इन लोगों की जो बंदिशें हैं हम लोग आज कैसे सीख पा रहे हैं या गा कैसे पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें किताब में नोट किया गया, उनका एक नोटेशन सिस्टम बनाया गया है ना। तो वो नोटेशन सिस्टम की भी अपनी एक वैल्यू है। लेकिन आज का टॉपिक जो था वो ये था कि क्या थाट से ही राग का जन्म हुआ है, तो ऐसा नहीं है, थाट बाद में बने हैं, राग पहले बन चुके थे, आज भी राग बनते हैं और फिर उन्हें थाटों में क्लासिफाई कर दिया जाता है। जैसे कि मधुवंती जो है बड़ी आधुनिक राग है, है ना, ये हाल ही में बनी, हाल ही में इन द सेंस ऐसा नहीं कि 5-10 साल में, पर क्योंकि जो दूसरी रागें हैं वो वर्षों से चलती आ रही हैं तो उसके बाद एक राग का निर्माण हुआ। तो अब उस राग का चलन सुना गया कि यार ये इसका जो चलन है वो किस थाट में बैठ रहा है, तो उसे कई लोग तोड़ी थाट में मानते हैं। तो राग तो है वो बनती है, थाट से जन्म नहीं लेती। आप ये नहीं कि मैं इस थाट की राग बनाऊंगा, नहीं, आपके दिमाग में आता है कि एक राग है उसमें एक आध सुर इधर का उधर बदल के या दो रागों को मिश्रित करके हम देखते हैं चलन कैसा बनता है, और फिर हमें महसूस होता है कि नहीं इसका चलन मारवा में ज़्यादा बैठ रहा है या भैरव में ज़्यादा बैठ रहा है, तो फिर उसे उस थाट में क्लासिफाई किया जा सकता है कि चलो ये राग इस थाट की है। तो थाटों से रागों का जन्म नहीं हुआ है, रागों का जन्म उपज से हुआ है, इमोशन से हुआ है, भावों से हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले ही राग का अर्थ बताया, राग का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम लगाव, है ना, वो जो भाव हैं आपके, अनुराग से ये शब्द निकला है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड के वीडियोज़ के, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा, और आप भी ऐसे ही कुछ ना कुछ दिमाग लगाइए, जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है उनको वैसे की वैसे सुन के उस लकीर के फकीर मत बनिए, कुछ ना कुछ नया करिए और उपज कीजिए। ठीक है, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।